अब क्या हो रहा है, ये फाइव कभी भी कुछ भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। दूसरा सोर्स है इंडिपेंडेंट लाइट का, उसके भी फाइव के साथ यही हरकतें चल रही है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसे चमक रहा था पार्टिकल, मतलब एटम्स ऑसिलेट कर रहे थे, लाइट छोड़ रहे थे, कोई आया टक्कर मार दिया, एकाएक फाइव कुछ का कुछ हो गया। तो ये फाइव वन माइनस फाइव टू, यदि आप लाइट की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे राइट, तो लाइट की फ्रिक्वेंसी होगी 3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लेट्स से 600 नैनोमीटर, तो 6 × 10⁻⁷ सो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 10⁻¹५ हर्ट्स में होती है लाइट की फ्रिक्वेंसी राइट। मान लीजिए वो वाइब्रेशन कर रहा है, इसी फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेशन सोर्स कर रहा होगा, तभी इस फ्रिक्वेंसी की लाइट छोड़ रहा है राइट, वाइब्रेशन कर रहा है। यदि उसको 1000 ऑसिलेशन में एक बार भी टक्कर मिलती है, पड़ती है, तो एक सेकंड में 10⁻¹२ टाइम्स फाइ की वैल्यू चेंज हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक सेकंड में 10⁻¹२ टाइम्स ये फाइव वन माइनस फाइव टू की वैल्यू चेंज हो रही होगी। इसकी वैल्यू लेट से आ रही है पाई, इस चीज की वैल्यू आ रही है पाई, तो जब वो जीरो है तो वहां पे क्या दिखता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन उस जगह पर एक सेकंड में 10⁻¹२ टाइम्स डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव बीच का सब कुछ हो जाएगा, सारी रैंडम वैल्यूज आ रही है, डिस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव भी हो जाएगा सब कुछ हो जाएगा एक सेकंड में। तो एक सेकंड में यदि 10⁻¹² टाइम्स वहां पे अंधेरा और रोशनी दोनों होगी तो अपन लोग देख लेंगे कि नहीं देख पाएंगे? कितनी लिमिट है ह्यूमन बींग्स की, किसी को पता है? सिक्सटीन फ्रेम्स पर सेकेंड, दैट्स वॉट दीज आईज डू। यदि आप एक सेकेंड के अंदर, मतलब 1/16 सेकेंड में फाइनाइट डिस्टेंस शिफ्ट हो जाए तो आंखों को ऐसा लगेगा कि आप एक जगह से गायब हो गए, दूसरी जगह प्रकट हो गए, टेलीपोर्टेशन हो गया आपका, क्योंकि हम 1/16 सेकेंड से के फ्रेम्स में दुनिया देखते हैं। जो हमें कंटिन्यूस लगता है वो कंटिन्यूस नहीं है, 1/16 सेकेंड होता है। मूवीज 24 फ्रेम्स पर सेकेंड पे ली जाती है जनरल। ये ट्यूबलाइट ध्यान से देखेंगे आप तो शायद आपको दिख जाए, इंसानों को तो नहीं दिखती है नॉर्मल, 50 बार बंद हो रही है एक सेकेंड में, दिख रही है आपको बंद होती, लेकिन दिख सकती है। ऑल यू हैव टू डू, एक ट्यूबलाइट के कमरे में वीडियो लीजिए तो आपको जलता बंद होता हुआ दिखाई देगा वीडियो। क्यों? क्योंकि वो कैमरा भी 24 फ्रेम पर सेकंड में फोटो खींच रहा है, भले ही वीडियो है, वो वीडियो वीडियो कुछ नहीं, वो 24 फोटो खींच रहा है एक सेकंड में। कभी ना कभी वो फोटो तब खींच रहा होगा जब लाइट बंद थी, इस वजह से एक ट्यूबलाइट की रोशनी में भी आप देखेंगे तो राइट। इसीलिए जो फोटो और जो मूवीज होती है उसमें कभी भी ये ट्यूबलाइट यूज नहीं होती है, उसमें थर्मल वाली लाइट यूज होती है, गर्मी वाली, भले ही उससे गर्मी लगे कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि वो इस पे बेस नहीं होती, 1/50 पे, नहीं तो मूवी बड़ी गंदी खींचेगी। कभी फोटोग्राफर के पास जाए ढंग के तो उसके लिए आप लाइट्स देखेंगे तो ये वाली नहीं यूज करता हूं। कंटिन्यूस कुछ नहीं है। खैर पॉइंट समझ में आया। तो जब भी वो लोग दो सोर्स लेते थे, यंग के पहले वाले लोग, एक मोमबत्ती यहां जलाई एक मोमबत्ती यहां जलाई, होता तो था इंटरफेरेंस लेकिन दिखना संभव ही नहीं था। क्यों नहीं था दिखना संभव? क्योंकि उनका फेज कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता था। और कंटिन्यूअसली कहेंगे क्योंकि एक सेकंड में 10⁻¹², इस मतलब कि कुछ हो ही नहीं रहा। समझ में आई मेरी बात? पक्का? यहां पर मैं एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, हालांकि मैं टेक्निकल वर्ड्स बहुत सोच समझ के, जब तक जरूरत नहीं होती तब तक ज्यादा बड़े वर्ड्स यूज नहीं करता, लेकिन ये वर्ड बहुत जरूरी है, कोहरेंट सोर्स एंड इनकोहरेंट सोर्स। ओके,
ऑलराइट। कभी आपने, कभी क्या आप करते ही होंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाट्सएप या किसी भी मोबाइल या किसी भी चीज से चैट करते हैं आप लोग, चैट करते हैं राइट, सब करते हैं चैट, लिख लिख के चैट नहीं करते आप लोग, करते हैं। ऑलराइट, तो जब चैट कर रहे होते किसी से तो एक डिले होता है राइट। मान लीजिए आप चैट किसी ऐसे इंसान के साथ कर रहे हैं जिसकी टाइपिंग की स्पीड आपकी जैसी नहीं है, ओके, मेरे से कर रहे हैं, लेट से आपकी मुझसे फास्ट होनी चाहिए। ऑलराइट, तो यदि आप मुझसे चैट कर रहे हैं, आपने मुझसे एक सवाल पूछा राइट, और मैंने उसका जवाब टाइप करना शुरू किया, तब तक आपके दिमाग में बेस्ड ऑन जो अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई थी एक और सवाल आ गया दिमाग में, तो आपने वो भी लिख दिया। समझ में आ रही मेरी बात? अब मैंने आंसर दिया, ऐसा आपके साथ जरूर हुआ होगा राइट, तो सोचना पड़ता है किस सवाल है, सवाल का जवाब दे रहा है। एज एनीबडी एक्सपीरियंस दिस, एज एनीबडी एक्सपीरियंस दिस? राइट, बट इफ द टू पर्संस आर इन कोहरेंस, तो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि यार ये हर बार जो है दो क्वेश्चन बाद आंसर देता है पहले वाले का, यदि आपको बैठ जाए तो। यदि वो फिक्स क्वेश्चन आंसर्स हो, फिक्स टाइम के हो, तो आप तुक्का मार सकते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ऑन द अदर हैंड, यदि क्वेश्चंस के जवाब कभी छोटे कभी बड़े हो, लिखने वाले की स्पीड वेरिएबल हो, तो वो थोड़ी देर में इट वुड बी वेरी वेरी कंफ्यूजिंग कि ये जवाब कौन से वाले सवाल का दे रहा है। राइट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कोहरेंस एंड इनकोहरेंस। राइट, एक तो होता है फ्रीक्वेंसी मैच होना, एक होता है कोहरेंस एंड इनकोहरेंस। फ्रीक्वेंसी मैच करना तो बेसिकली ये है कि मैंने आपसे बात शुरू करी फुटबॉल के बारे में सशक्त, राइट, कि यार सबसे बढ़िया फुटबॉल कौन खेलता है, आप बोलो विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी। राइट, तो नाउ दिस इज फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, पागलपन के लेवल पे चलेगी ये बात। राइट, तो ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, कि मैंने आपसे बोला फुटबॉल में आपको कौन अच्छा लगता है, आपने कहा चलो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैं गुस्सा हो जाऊंगा, थोड़ा लड़ लूंगा, भिड़ लूंगा, मैं मैसी के बारे में बात कर लूंगा, कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, बट वी आर स्टिल ऑन सेम फ्रीक्वेंसी। राइट, मान लीजिए अपन फुटबॉल के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पिछले मैच में रिप्लेस कर दिया था, सब्स्टिट्यूट कर दिया था, मैं ये बोलता हूं, आप बोलते कि हाँ सर उसका रीजन ये था। राइट, एंड लेट्स सी दिस डिस्कशन कंटिन्यूज, बट थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने जवाब किसी और सवाल का दे रहे हो फुटबॉल में, तो फ्रीक्वेंसी तो मैच हो रही है लेकिन अब आप जवाब किसी और ही चीज का दे रहे हो, दैट इज इनकोहरेंस, कि हम बात उसी फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं फुटबॉल। मैंने पूछा कि यार वो रियल मैड्रिड का मैच हुआ तो स्कोर क्या रहा, आपने कहा कि यार वो जो बार्सिलोना है उसने 5-0 से फेल दिया, जिसको भी हराया, अभी हराया था किसी को, राइट, बुरी तरह से हरा दिया, राइट, आपने ये जवाब दिया, तो अभी फ्रीक्वेंसी सेम है बट अवर डिस्कशन इज इनकोहरेंट। इनकोहरेंट मतलब फेज का डिफरेंस इतना ज्यादा, फेज का डिफरेंस वेरी कर रहा है। मैंने आपसे तीन सवाल पूछे, 1, 2, 3, आपका नाम क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते, आप कब पैदा हुए थे, यदि आप इनका जवाब उल जरूल सिक्वेंस में दे रहे तो इट इज इनकोहरेंट। और वे वेरिएबल, कि पहले दूसरे का दे दिया, फिर तीसरे का दे दिया, फिर पहले का दे दिया, फिर अगली बार मैंने तीन सेट पूछे क्वेश्चन के, आपने फिर कुछ और सिक्वेंस में दे दिया, तो आपकी बात भली सेम रहेगी लेकिन समझ में नहीं आएगी, दैट इज कोहरेंस। तो टेक्निकल मीनिंग होता है कोहरेंस का, व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू सोर्सेज इज कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात? यदि कॉन्स्टेंट है तो अपन पकड़ लेंगे कि यार ये हर बार तीसरे सवाल के जवाब दे रहा होता है, जो अब से दो सवाल पहले वाले सवाल था उसका जवाब दे रहा है ये, दैट इज कोहरेंस। लेकिन मालूम ही नहीं कौन से का दे रहा है, दैट इज इनकोहरेंस। दे तो रहा है पर पता नहीं किसका दे रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे आप एग्जामिनेशन पेपर के अंदर सारे आंसर सही लिखा है पर यदि आगे नंबर गलत डाला है सो दैट वुड बी डिजास्टर। राइट, इनकोहरेंस। समझ में आ रही मेरी बात?
मान लीजिए एक एक शिफ्ट हो जाए तो हो सकता है प्लीड कर ले भाई साहब माफ कर दो, एक नंबर ही तो, एक ही तो शिफ्ट हुआ है आगे, बट यदि मान लो सॉरी कुछ का कुछ है, सेकंड पे थर्ड का लिखा है, फोर्थ पे वन का लिखा है, वन पे टेन का लिखा है, फिर तो आप पैरों में भी गिर जाओ तो शायद ही कोई आपको मार्क्स देगा, राइट, वो वाली बात। एक एक शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है कोई माफ कर देगा यार, कोई नहीं, बच्चा एक साल बिगड़ जाएगा टाइम्स। तो कोहेरेंस में फेज डिफरेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फेज डिफरेंस जीरो नहीं होता है, क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, और इनकोहेरेंस में फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली वेरी करता है। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या होंगे, कोहेरेंट की इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि फाई वन और फाई टू रैंडमली वेरी करेंगे और हमको उनके बीच में फेज डिफरेंस कंटिन्यूअसली डिफरेंट मिलेगा, समझ में बात। तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा होगा तो कौन सा सोर्स हो जाएंगे, इनकोहेरेंट, और कोहेरेंट सोर्स क्या होंगे, जिनमें फेज डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, राइट। लाइट में कोहेरेंट सोर्सेज मिल पाना नॉट पॉसिबल, बहुत रिसेंटली जाके मिल पाए, ओके, लेजर बोलते हैं उसको, तो यंग ने ये सब जाने बिना बाय चांस ऐसा जुगाड़ कर दिया था कि वो कोहेरेंट सोर्स बना लिए थे, समझ में आ रही मेरी बात। साउंड के केस में सोर्सेस कोहेरेंट हो जाते क्योंकि एक सोर्स है, इस रास्ते से जाके आवाज रिफ्लेक्ट होके आप तक पहुंची, उस रास्ते से पहुंची, फाई जैसी कोई चीज है ही नहीं, समझ रहे क्या मेरी बात। तो आपका जो फेज डिफरेंस आएगा वो सिर्फ पाथ के लेंथ पे डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा होगा, ऐसी कोई चीज होगी नहीं, राइट। तो यही जुगाड़ है कोहेरेंट सोर्स बनाने का, एक का दो कर लो, कोहेरेंट सोर्स बनाने का सबसे सिंपल जुगाड़ है एक का दो, एक का दो मतलब क्या कर लो, राइट। ये यंग का एक्सपेरिमेंट नहीं है, यंग का इससे थोड़ा अलग है, लेकिन ये मुझे सबसे सिंपल लगता है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक सोर्स ये ले लो, राइट, यहां पे रख लो, इस सोर्स की एक इमेज यहां पे भी बनेगी एस डैश, लाइट यहां से भी पहुंचेगी, अरे यार यहां से भी पहुंचेगी, ये जो मैंने बनाई है एक्चुअली ऐसे नहीं आई है, मुझे पता है ये यहां से जाके रिफ्लेक्ट होके आई है, हार्डली मैटर्स, मुद्दे की बात ये है इसके लिए तो ये लाइट दो अलग अलग सोर्सेस से आई है, लेकिन दोनों सोर्सेज में ये वाली टर्म, हेंस ये वाली टर्म इक्वेशन में अपियर नहीं होगी, हमने उसको कांस्टेंट तो नहीं कर पाए, उसको उड़ाई दिया एक का दो करके। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज लॉयड्स मिरर, और एक बहुत सारे थे यंग के बाद, क्योंकि यंग ने जब अपना एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया लाइट इज वेव तो भी न्यूटन के भक्त माने नहीं, उन्होंने बोला इसमें तो ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, तो उसके बाद और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जुगाड़ बना के दिखाए कि देखो ये देख लो, फ्रेसनल, फर्मेट का भी एक शायद बिलेट, फर्मेट का नहीं है, फ्रेसनल बाई प्रिज्म, यस फर्मेट का नहीं है, बिलेट, और ये क्या बोला था मैंने अभी, लॉयट, तो ऐसे और भी बाद में लोग आए जिन्होंने सबने एक ही काम किया, एक का दो। आप भी अपने नाम पे चाहे तो कुछ बना सकते हैं एक का दो करके, राइट, एक का दो करने का जुगाड़ करना है बस इतना सही है, राइट। जैसे यंग ने जो किया था वो ये था, ये एक लाइट का सोर्स रख दिया और दो स्लिट्स बना दी, बाय हाइगंस थ्योरी एस वन विल बिहेव एज अ सोर्स एंड एस टू विल बिहेव एज अ सोर्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज नॉट वैलिड हियर, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो लाइट सिर्फ यहां पहुंचेगी, बट हमें प्रैक्टिकली पता है कि जब हम स्लिट बनाते हैं तो वो एक सोर्स की तरह बिहेव करती है, तो लाइट यहां पर भी पहुंचती है, यहां पर भी पहुंचती है, पी से पूछोगे तो बोलेगा जी एस वन से आइए एस टू से आइए, मुझे नहीं मालूम एस कौन है, उसके लिए फिर से कट जाएगा फाइव वन फाइव टू, एक का दो बना दिया आप, समझ में आ रही है मेरी बात। इसी का बड़ा ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन होता है थिन फिल्म, सोप फिल्म पे देखे आपने भाती भाती के कलर दिखते हैं, पानी पे ऑयल बिखर जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग से कलर दिखते हैं, वो क्या है, वो भी ये स्टोरी है, कैसे
ये लाइट आके गिर रही है, ये गई, ये गई, ये गई, एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, एक रिफ्लेक्शन यहां से हुआ, सोर्स तो एक ही था, दो अलग अलग रस्तों से लाइट पहुंची है. दैट्स व्हाट यू हैव, राइट. यदि आप मेरे चश्मे में ध्यान से देखेंगे तो आपको इस ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन क्या दिख रहा है, व्हाइट कि ग्रीन? ये पढ़ाऊंगा मैं क्लास में, प्रूफ करूंगा ये. अरे ये कहीं से भी ग्रीन है, ये क्या ग्रीन शेड का है? तो इसका ग्रीन क्यों दिखता है व्हाइट का रिफ्लेक्शन? एक्चुअली ये इंटरफेरेंस पता है कहां हो रहा है? आपके आई के रेटिना पे, रेटिना पे जाके इंटरफेरेंस होता है. जब ये दोनों वापस मिलती है ना रेटिना पे, तो इंटरफेरेंस होता है. और ग्रीन कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो आपको ऐसा लगता है आंखों में एंटर व्हाइट लाइट होती है, दिखती ग्रीन है. आपकी आंख में ट्यूबलाइट से रिफ्लेक्टेड लाइट ही गई है, व्हाइट ही थी वो तो, लेकिन दिखती ग्रीन है क्योंकि ग्रीन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. तो ये सब जुगाड़ क्या है? एक का दो. एक सोर्स से लाइट आई और हमने उसको दो रस्तों से भेज दिया. दिस इज डिविजन ऑफ पाथ, दिस इज डिविजन ऑफ एम्पलीट्यूड. कि हमने कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इधर से भेज दी, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इधर से भेज दी और दोनों को वापस से मिला दिया. मिला दिया तो हमको कलर्स दिखने लग जाएंगे. समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? पक्का? ये सब हम करेंगे. मैंने आज तो थ्योरी का पार्ट होता है पहली क्लास में, तो कि भाई बेसिकली पढ़ के आ रहे होंगे. तो सबसे पहला जुगाड़ है ये, यंग ने जो किया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये शुरू करेंगे. राइट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. कोहेरेंट सोर्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा वर्ड. कोहेरेंट मतलब फेज डिफरेंस मस्ट बी कॉन्स्टेंट. यहां पे इट वुड जनरली मीन जीरो, यहां पे इट वुड मीन जीरो, बट एक्चुअल मीनिंग इज कॉन्स्टेंट. क्योंकि कॉन्स्टेंट होगा तब भी पता पड़ जाएगा, जीरो का तो पता पड़ ही जाएगा. मैंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब दिया, फिर मैंने एक और सवाल पूछा आपने उसका जवाब दिया, पता पड़ ही जाएगा. पर यदि आप मेरे सवालों का जवाब दो क्वेश्चन के बाद दे रहे हो तो भी आपको समझने में परेशानी नहीं होगी, थोड़ी देर होगी लेकिन समझ में आ जाएगा. हर बार ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे, जो आपसे तीन क्वेश्चन पहले, जो दो क्वेश्चन पहले था उसका आंसर दे रहा है, समथिंग लाइक दैट. नहीं आंसर